डिडवाना के जोधपुर के अंदर एक अधिवक्ता की सरेआम चाकू से हत्या कर दी गई, जिसका पूरे राजस्थान भर में भारी विरोध चल रहा है। इसी को लेकर अधिवक्ता गड़ू ने जोधपुर से जुगराज चौहान की निर्मम हत्या और वकीलों पर हो रहे हमलों और अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। संघ अध्यक्ष हरदीन राव चाकड़ की अगुवाई में ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने, अधिवक्ता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। इस अवसर पर सभी अधिवक्तागण उपस्थित रहे। हत्यारों को फांसी दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार के पास लंबित है। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि उस एक्ट को है जो जल्दी से जल्दी पास किया जाए और ताकि वकीलों को प्रोटेक्शन मिल सके। आए दिन वकीलों पर हमले हो रहे हैं और अभी जोधपुर में ही है जगह परसों एक वकील का सरेआम सड़क पर चलते हुए बदमाशों ने है जगह उसका कत्ल कर दिया। इसलिए ये एक्ट का पास होना जरूरी है और वकीलों का प्रोटेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। राजस्थान के वकीलों में डर और भय पैदा करने की अपराधी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और यदि अधिवक्ताओं में भय व्याप्त कर दिया गया तो भारत के संविधान और जो कानून बनाए गए उनके कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए हमारे अधिवक्ताओं पे होने वाले हमलों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार जो है तुरंत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है विधानसभा में पास करे और हम सबको सुरक्षा दिलावे।